निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में प्रदेश में जगह जगह मीठी छबील का आयोजन कर राहगीरों को शरबत का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में हापुड़ के कोतवाली नगर इलाके के मोदी नगर रोड पर बढ़ती गर्मी के प्रकोप को देखते हुए दीपक त्यागी और बाली ने राहगीरों को मीठा शरबत पिलाया, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली और हर साल की तरह अब की बार भी गर्मी के मौसम में ठंडा पानी पिलाकर लोगों का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें, बृहस्पतिवार की सुबह बिजली घर के सामने बस व ऑटो व कार व बाइक सवारों को रोका गया और उन्हें मीठा और शरबत पिलाया गया। मीठा शरबत पीने के बाद राहगीरों में खुशी की लहर नजर आई और शरबत पिलाने वालों की जनता में तारीफ की। बहुत अच्छा व पुण्य का काम हो रहा है। गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, लू का माहौल है और आग लग रहा है, यात्रियों को हम रोजगार पिला रहे हैं। ये प्रोग्राम हर वर्ष करता हूँ गर्मी में, ताकि गर्मी से बचने में जो गरीब लोग हैं, जो यात्री हैं, उनको आराम मिल सके, रास्ते में अपने स्थान पर पहुँचने के लिए उनको सही सुविधा मिल सके और गर्मी से बचने का एक। अजय, आप जो शरबत वितरित कर रहे हो कहाँ पर कर रहे हो, कौन सी जगह है? ये मैं जिला हापुड़ में मोदी नगर रोड पर बिजली घर के सामने कर रहा हूँ।